हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम डरेंगे ही। और इस तरह पुलिस पिटती रही तो फिर आम पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? उन अफसरों को जो अच्छे अफसर है, जो पुलिस पुलिस कमिश्नर रहने लायक है, उनको दिल्ली में नहीं रहने दिया जा रहा। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे, बड़े अधिकारियों का समझाना बुझाना, जिसे आप लोग मीठी गोली बता गए, कैसे निकलेगा रास्ता, क्या होगा अब? इसमें हम सबको एकित रहना है, एक साथ रहना है, एक साथ रह करके एक यूनियन बनानी है, और हम साथ रहेंगे, और साथ रहने के बाद में हमको अपना फर्ज मिलेगा, और अब जब ही हम अपने ड्यूटी सही कर सकते हैं। और हमारे बीच में SBK सिंह पुलिस कमिश्नर, जो बहुत अच्छे अफसर हैं, उनको दिल्ली पुलिस में वापस लाया जाए, उनको अरुणाचल भेज दिया गया। जब अरुणाचल से दिल्ली आने का समय उनका हुआ तो उनको जो है फिर मुजरम भेज दिया गया। अब मुझे लग रहा है उन अफसरों को, जो अच्छे अफसर हैं, जो पुलिस पुलिस कमिश्नर रहने लायक है, उनको दिल्ली में नहीं रहने दिया जा रहा। मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है, उनको ले आकर के SBK किस पुलिस कमिश्नर को आ करके पुलिस कमिश्नर बनाया जाए। और मुझे लग रहा है अब उनको अरुणाचल भेज दिया गया 2 साल के लिए, वहाँ उनका समय 2 साल पूरा हुआ, उनको मिजोरम भेज दिया गया, वहाँ जब पूरा होगा तो मुझे लग रहा है उनको दिल्ली में नहीं लगाएंगे, उनको जम्मू कश्मीर भेज दिया जाएगा। स्लोगन दिल्ली पुलिस देती है सदैव आपके साथ, लेकिन आपके साथ भी कोई खड़ा है कि नहीं? हमारे साथ SBK पुलिस कमिश्नर ऐसे अफसर हैं, वही खड़े हो सकते हैं, वही हमारे वफादार अफसर हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये तस्वीर क्या नजर क्या दिखा रही है, क्या इंसाफ की ओर ले जा रही है कि नहीं? न्यायालय का एक तरफा फैसला रोष पैदा कर रहा है। जब तक उच्च न्यायालय दोनों पक्षों का की तरफ से फैसला नहीं सुनाएगा, जब तक ये रोष रहेगा इसका कोई समाधान नहीं। हमारे पुलिस कमिश्नर मजबूर हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर हमारे सामने और वैसे भी मजबूर हैं वकीलों के सामने। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आज जब खड़ा होना चाहिए था जिन नेताओं की सुरक्षा में पुलिस खड़ी रही, यहाँ पर आज पुलिस एकत्र है लेकिन साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता कैसे निकलेगा, क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? देखो, हम इंसाफ चाहते हैं, पहली बार अनुशासन में रहना चाहते हैं, और अनुशासन में रह करके मतलब हम इंसाफ चाहते हैं, जो कसूरवार है उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। और इस तरह पुलिस पिटती रही तो फिर आम पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो मजबूर किस बात को लेकर हैं, कौन सा प्रेशर? वो राजनेताओं के दबाव में, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, वो इसलिए वो मजबूर हो रहे हैं। और कुछ नहीं है, वो राजनेताओं के दबाव में होते हैं, वो बड़ी पोस्टों पे होते हैं, जो राजनेताओं के दबाव में होते हैं उन्हें अपनी कुर्सी बचानी होती है। एक बार इन स्लोगन्स पर नजर जरूर डालिए, पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों के भी बचाना है, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उधर है वी वॉन्ट जस्टिस, और सीधा अगर इस गेट पर आप देखें जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का गेट है, मेन गेट, वी नीड यू, यानी किरण बेदी का फोटो है, उसके बाद आगे आप देखिए विद यू फॉर ऑलवेज, दिस टाइम वी आर विद यू, जनता की सुरक्षा जब खुद ही असुरक्षित, आई स्लीप अलोन सो यू कैन स्लीप सेफ, इस तरह की बातें हो रही हैं। पीछे पीछे आप देखिए, वो देखिए पीछे, अगर जूम करके दिखाएं, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, और आज वर्दी जमीन पर है। दिल्ली पुलिस एक्ट में बदलाव करें, पुलिस पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं, और लगातार लोग गुस्से में हैं, इस तरह के स्लोगन लगातार दिखाई दे रहे हैं, और जस्टिस की बातें हो रही हैं, हर कोई यही कह रहा है कि वी वॉन्ट जस्टिस। देखो ठोस नतीजा पर हमारे सिप्पी साहब ने सोचना चाहिए, सिप्पी साहब के हाथ में है, इन्होंने निकाला चाहिए, अब ऐसे थोड़ी पिटते फिर जाएंगे, अगर भाई जाएंगे कोर्ट में भी जाते सब। एक सवाल लगातार उठता है, वर्दी है, बंदूक है, फिर डर क्यों रही है दिल्ली पुलिस, क्या कमी हो? जब हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम डरेंगे ही, अगर हमारे अफसर हमारा साथ देंगे तो हम नहीं डरेंगे। वाकई प्रशासन साथ नहीं है, पीछे आप देखिए ये ITO रोड है, उधर कर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, और इधर यहाँ पर ये पुलिस हेडक्वार्टर, और इनके हाथों में इस तरह के स्लोगन्स हैं, और पुलिस एकता जिंदाबाद की लगातार बात हो रही है, और आज दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही है,
और शांतिपूर्ण ये धरना हो रहा है। सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे पर ना तो सरकार पहुंची है ना आला अफसर पहुंचे हैं। बड़े अधिकारी आए हैं तो सिर्फ समझाने, जिसको दिल्ली पुलिस के लोगों ने मीठी गोली बता दिया कि मीठी गोली से अब काम चलेगा नहीं, और इसे मीठी गोली बताया जा रहा है। लेकिन इतना तो साफ है कि आखिरकार सरकार की, पुलिस के बड़े अधिकारियों की नींद तो जरूर टूट रही है। टेंशन है, मीटिंग्स हैं, कमिश्नर को तलब किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक नतीजा निकलेगा। अपने स्वागत अंकित के साथ नवीन चौहान, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।